डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंटेक एकेडमी चैनल, मैथ्स चैनल, फिजिक्स चैनल, सब आएगा साइंस का चैनल। अभी बने रहिए सिर्फ तरवीर सर के साथ और देखिए क्या क्या अभी मिरेकल होता है। ठीक है, कैन यू सॉल्व दिस, ये सीरीज चल रहा है। इस सीरीज का क्वेश्चन नंबर 4 है जो एक्सपोनेंट्स एंड पावर पे बेस्ड करता है ये सारा क्वेश्चन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन देखिए, ये भी टिपिकल लग रहा है देखने में, लेकिन बड़ा इजिली ये सॉल्व होगा। कैसे देखिए, करना क्या है इसको, 2 रेज टू द पावर n प्लस 2 कितना है n इंटू 2 माइनस 1 लिख सकते हैं इसे। अब यहां पे क्या हो गया, 2 रेज टू द पावर n इंटू 2 पे पावर 1 यानी 2 माइनस 2 रेज टू द पावर n। ठीक है, अब यहां पे क्या हो जाएगा, दिस इक्वल्स टू, अब यहां देखिए 2n यहां कॉमन है, यहां भी 2n और 2n कॉमन है, कॉमन निकाल देंगे 2n, यहां बच गया 1 प्लस 2 रेज टू द पावर माइनस 1। यहां क्या बच गया बच्चों, यहां पर भी 2 पे पावर n कॉमन हो गया, यहां बच गया 2 माइनस 1। ठीक है, अब क्या करना है, 2n दोनों कैंसिल हो गया, अब यहां क्या बचा, 1 प्लस 2 माइनस 1 का मतलब क्या आ गया, 1 बाई 2 और इधर 2 माइनस 1 1। ठीक है, चलिए अब क्या करना है, अब तो हो गया, अब सिर्फ करना क्या है कि 1 प्लस 1 बाई 2 आ बचा, अब 2 एलसीएम हो गया, 2 1 जा 2 प्लस 1 दिस इक्वल्स टू 3 बाई 2, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, तो अभी जैसे जैसे हमारा लेवल बढ़ता जाएगा, क्वेश्चन का लेवल बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे क्वेश्चन थोड़ा टिपिकल होगा और ज्यादा वो टफ दिखाई देगा, देखने में काफी टिपिकल होगा। तो आई होप कि ये बड़ा आप लोग इंजॉय किए होंगे इस क्वेश्चन में। तो अगर जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया साइंटेक एकेडमी को, ये आपका बहुत ही प्यारा प्यारा चैनल है, इसे सब्सक्राइब कर लें और ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स में, अपने रिलेटिव्स में इसको शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू, और प्यारा प्यारा कमेंट करें, और जहां भी आपको किसी भी तरह का प्रॉब्लम है समझने में, इस क्वेश्चन को समझने में, या किसी भी क्वेश्चन को, कोई क्वेश्चन ऐसा है, कोई प्रॉब्लम ऐसा है जो नहीं सॉल्व हो रहा है, तो आप साइंटेक एकेडमी जो हमारा चैनल है उसके कमेंट बॉक्स में जाएं और उस पर सवाल पूछें, क्वेश्चन पूछें, मैं आपके सभी क्वेश्चंस का रिप्लाई जरूर देने की कोशिश करूंगा। ठीक है बच्चों, थैंक यू फॉर बीइंग विद मी, थैंक यू वेरी मच।